बायोटेक के कोवैक्सीन को अमेरिका के ड्रग रेगुलेटर एफडीए ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिलने के बाद कंपनी ने बड़ा फैसला किया है। शनिवार को कंपनी ने कहा कि वह कोवैक्सीन की मार्केटिंग आवेदन को समर्थन देने के लिए अमेरिका में क्लिनिकल ट्रायल आयोजित करेगी। दरअसल भारत बायोटेक के यूएस पार्टनर ऑक्सीजन ने एफडीए के साथ वैक्सीन के इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई किया था। हालांकि अमेरिका ने इस वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने से मना कर दिया था। कहा जा रहा है कि पूरे डेटा ना होने के कारण ये फैसला लिया गया। यूएस एफडीए ने ऑक्सीजन इंक को सलाह दी थी कि वह भारतीय वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी हासिल करने के लिए अतिरिक्त आंकड़ों के साथ जैविक लाइसेंस आवेदन BLA मार्ग से अनुरोध करे। ऑक्सीजन ने बयान में कहा था कि वह एफडीए की सलाह के अनुसार कोवैक्सीन के लिए BLA दाखिल करेगी।